हमारा अपनी लास्ट हॉल का एलिवेशन रह गया था, जो कि हमें डोर साइड एलिवेशन या सेक्शन के अंदर सेक्शन दिखाना था। मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड जो है हमारा उसको चेंज कर लेता हूँ। ओपी एंटर किया मैंने और इसको हम वाइट में कर लेते हैं। अब मैंने एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया। सबसे पहले हमने वॉल का रेफरेंस ले लिया। यहां से रेफरेंस लेके काम करेंगे तो आसान पड़ेगा, हमें चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया मैंने, फ्लोरिंग का, सीलिंग का, हो गया पूरा। अब ये जो लाइंस है हमारी, ये इसके अंदर ही तो रखनी है हमें, इसके बाहर तो नहीं रखनी। ऐसे में मैं एक कमांड का यूज करता हूँ। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया पहले चारों तरफ, उसको कवर करता हुआ बना दिया हमने। अब मैं कमांड यूज कर रहा हूँ XTRIM, एक्सट्रिम, ठीक है। ये कमांड क्या करता है, एक्सट्रिम पे गए, मैंने पहले पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया, डिटेल व्यू बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम, जैसे मैंने आपको याद होगा स्ट्रिंग विद सिंगल एंटर समझाया था, उसके लिए क्या करते थे हम, टी आर एंटर करते थे, मोड पे जाते थे, स्टैंडर्ड लगाते थे, फिर रेफरेंस एलिमेंट पहले सेलेक्ट करते थे, फिर बाद के एलिमेंट को क्लिक करते थे, ट्रिम हो जाता था, यही करते थे। एक्सट्रीम क्या करता है, एक्स टी आर आई एम एंटर किया हमने, इसमें आपको पहले डायरेक्ट पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके अंदर के एलिमेंट हटाने या बाहर के, तो बाहर क्लिक कर दिया आपने, तो जो इंटरसेक्शन से एक ही बार उठा रही, आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसको करना है किसको नहीं। हेलो, बढ़िया, वन सेकेंड ना शशि, मैं क्लास कर। शशि मैं अभी आ जी। सो बताइए, एक्सट्रीम समझ में आया, मतलब काम को थोड़ा सा आसान कर देगा आपको। बार बार क्विक ट्रिम और स्टैंडर्ड ट्रिम में आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, स्टैंड क्विक ट्रिम आप लगा रहने दो, और जब भी आपको ऐसे काम करना हो आप एक्सट्रीम कमांड को यूज कर लो। अच्छा, तो सर्किल के बाहर अंदर भी काम करेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, क्या चीज रहेगी क्या नहीं रहेगी उसको ढूंढना कंफ्यूजन भी रहेगा। अब हैच कर देते हैं। और हैच को प्रीवियस हैच से वॉल वाले से जैसे हमने मैच कर दिया, सारे इंडिविजुअल अलग अलग हो रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेपरेट हैच ऑन था। अगर सेपरेट हैच ऑन नहीं होता तो ये सारे इश्यूज नहीं आते। अगेन हैच किया मैंने, सेटिंग्स पे गया मैं, क्रिएट सेपरेट हैच को ऑफ कर दिया, और पिक पॉइंट पे जाके यहाँ से पॉइंट पिक करके एंटर कर दिया। मैच पे गया, कॉन्क्रीट वाले से मैच कर दिया। इतना तैयार हो गया, ठीक है।
उसके बाद हमने फॉल सीलिंग कितने लेवल पे डाली थी यहाँ से? 7 फीट कुछ हाइट पे डाली थी आई गेस, 7 फीट 6 इंच है ना। तो फॉल सीलिंग भी डाल देते हैं 7 फीट 6 इंच पे ऊपर, जरूरी नहीं है 7 फीट 6 इंच पे ही फॉल सीलिंग आए, 8 फीट पे भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा संकन कितना डाउन हो रहा है फॉल और सीलिंग टू सीलिंग फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है, बट मिनिमम 7 फीट तो रहेगी रहेगी, उससे कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा भले ही हो सकती है। ठीक है, तो फॉल सीलिंग का 2 इंची का हमने वो भी डाल दिया थिकनेस, जो पी ओ पी की बनेगी ना तो वो थिकनेस हो गई हमारी। अब जो आप सामने देखोगे तो उसके लिए रेफरेंस ले लेते हैं, एक्सेल एंटर बी एंटर वर्टिकल रेफरेंस दिया मैंने पहले, इसके डोर के लिए रेफरेंस दे लिया, डोर की हाइट कितनी होती है हमारी? 7 फीट, डोर को 7 फीट ऑफसेट कर दिया हमने ऊपर, जे एंटर करके इन तीनों को ज्वाइन कर लो आप। ठीक, अब ये थिकनेस कितनी थी? 3 थी, 2 इंच थी, तो आपने इसको 2 इंचेस अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया, फ्रेम हो गए। इस पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ग्रूव दिखेगा, ये कितने का था ग्रूव? 0.75 इंचेस का, पर ऑफसेट कर दिया हमने। ठीक, अब डोर है, डोर फ्लोर पे अटैच हो गया तो खुलता नहीं है, हल्का सा क्या होता है ऊपर 4 इंच नहीं 4 इंच होता है, 4 से 6-8 इंच होता है कमर्शियल में, कमर्शियल में पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं ना उनमें होता है, रेजिडेंशियल में नहीं करते हम इतना, डोर में दो करेंगे, हाँ पर पौन इंच ही, आधी इंची से पौन इंची जैसे आप देखो सामने इस तरीके से ही गैपिंग मिलती है। ठीक है, 0.75 जो ऑफसेट किए हैं, हाँ आप 0.75 इंच का अंदर किए हैं, हाँ 2 इंच के अंदर अंदर, नीचे रबड़ भी दे देते हैं पानी से बचने के लिए, पानी की छींटे ताकि बाहर ना आ जाए। ठीक है, या वॉशरूम के लेवल को ही डाउन कर देता हूँ, कई बार मैंने आपको बताया था ना टक्कर बना देते हैं स्टोन की, हाँ पन्नी बना देते, तो मैंने इसको आधी इंची का गैप दे दिया। अब ये गैप डोर में ही तो होगा हमारा है ना, फ्रेम तो पूरा जमीन में ही लग के आएगा, तो उसको वहीं तक डाल दिया। अब डोर में हैंडल भी होगा, हैंडल की हाइट कितनी होती है हमारी? 3 फीट बहुत है, तीन फिट पे हमने इसको ऑफसेट कर दिया। हैंडल किस साइड होना चाहिए? देखो आप यहाँ से डोर का, यहाँ राइट में दिख रहा है हमें, तो राइट में होना चाहिए था। जब ये बंद होगा, जब ये बंद होगा तो लेफ्ट साइड होगा, तो हैंडल लेफ्ट साइड होना चाहिए हमारा, टॉप से राइट में दिखेगा। मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया पहले, हैंडल कितना अंदर होता है? 2 इंच अंदर रहता है, अभी के लिए हमने 2 इंच अंदर ले लिया, और इसको 0.25 इंच ऊपर 0.25 इंच नीचे कर दिया। हैंडल की लेंथ कितनी होती है हमारी? 4-5 इंच। देखो अलग अलग साइज के आते हैं, जो आपके ड्रॉर होते हैं ना छोटे वाले ड्रॉर, उनमें हम 4 इंची का देते हैं हैंडल, किचन के जो ड्रॉर होते हैं अगर उनमें भी हैंडल दिया जाता है तो 4 इंची दिया जाता है छोटा वाला, लॉकर में भी 4 इंची देते हैं, 4 इंच के बाद उससे बड़ा हैंडल आता है हमारा 6 इंची, उसके बाद फिर 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, इस तरीके से आते हैं स्टैंडर्ड। हम अपने घरों में जो लॉक होते हैं हमारे, उनमें 6 इंची का हैंडल देते हैं, 6 इंची का इसलिए होता है ताकि, क्योंकि हमारा जो हाथ है वो हैंडल पर पूरा कवर कर सके।
हैंडल हो गया, उसके नीचे क्या होगा हमारा लॉक होगा। तो मैंने पहले ही सेंटर पे लॉक बना लिया, डी एंटर किया 2 इंचेस का, मूव किया इसको, ठीक है। अब लॉक आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो कोई भी एक रैंडम दिखाने के लिए आप यहाँ पे लॉक सिस्टम बना सकते हो, आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। ये इतना कोई मैटर नहीं करता है, हमने हैंडल दे दिया और उसके नीचे उसका लॉक आ गया, ठीक है। ओके, सो डोर हमारा तैयार हो गया। जब आप यहां से इधर की तरफ देखोगे तो ये तो पूरी प्लेन वॉल है या नहीं है। इसमें यहां पे बीच में क्या दिख रहा है हमें, डोर दे दिया हमने। अब इस साइड ये क्या है हमारा, वैनिटी है। वैनिटी की हाइट कितनी थी, 850 mm मैंने आपको बताया था, यानी कि 2 फीट 10 इंच। तो वैनिटी का डिजाइन हमने यहाँ बनाया हुआ है। ज्यादा बेटर क्या रहेगा, उसके रेफरेंस को ही रख के काम किया जाए, जिससे कि काम इसी के रेस्पेक्ट में हो, ठीक है। तो मैंने एक रेफरेंस के लिए लाइन बना दी यहाँ पे फ्लोर लेवल पे, मूव कमांड पे गया, यहां से मैंने इस वैनिटी वाले को मूव किया इस पॉइंट से और यहां रख दिया। कॉपी करके रखा है, अब यहां डायमेंशंस की हमें नीड नहीं है, कॉपी किया है ना हमने, तो इनको डिलीट कर दो आप। ओके, यहाँ से सेक्शन कट हो रहा है बीच में से, सो इसका रेफरेंस टॉप का ये आ रहा है हमारा। आप एक्सेल एंटर, एच एंटर करके इसका रेफरेंस ले लिया हमने। नीचे हमारे ये कारकास ड्रॉर आ रहे हैं, उनका भी रेफरेंस ले लिया हमने। मैंने एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल एंटर करके इसका रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब जो हमारा टॉप का काउंटर था उसका लेवल यहाँ तक आ गया हमारा, तो इसके आगे वाले एलिमेंट को हम क्या कर दें, ट्रिम कर दिया हमने। और इसके अंदर की जरूरत तो है नहीं, अच्छा। अब ये काउंटर जो होता है ये डबल टक्कर के साथ बनता है, आप उसके सामने भी देख सकते हो, अगर आप उसके नीचे हाथ डाल के देखोगे तो आपको डबल टक्कर का एहसास होगा, क्योंकि उसमें आगे क्या होता है, सिर्फ आगे की तरफ बिल्डिंग लगाते हैं हम, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 0.75 इंच, ये 1.5 इंच था टोटल, 0.75 इंच आपने इसको ऑफसेट कर देना है और इसको 1.5 इंच अंदर ले लेना है, क्योंकि नोजिंग हमारी 1.5 से 2 इंच बाहर निकालते हैं। अब आपने ट्रिम कमांड पे जाके इसको ट्रिम कर देना है। तो ये क्या हो गई, आप देखो हमारी नोजिंग हो गई। अभी ये कॉर्नर्स क्या हो रहे हैं, बिल्कुल शार्प आ रहे हैं, आप इनको क्या कर सकते हो, चैम्फर या बेवल, राउंड, यानी कि राउंड करेंगे तो वो फ्लैट कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप शार्प एंगुलर कट करोगे तो उसको हम बेवल या चैम्फर कहते हैं। उनके लिए आपको कमांड देनी होती है, फ्लैट करना है तो एफ एंटर, आर एंटर किया, रेडियस मैंने 0.5 का दिया, एम एंटर करके मल्टीपल किया मैंने, हो गया राउंड। ये आप चाहो तो इस तरीके से राउंड कर सकते, ये भी एक टाइप की नोजिंग कहलाती है हमारी, जिसमें खाली ऊपर की तरफ हमने राउंड किया, हाफ राउंड। एक होता है डबल राउंड, उसमें क्या करते हैं हम, नीचे भी राउंड कर देते हैं, ठीक है। स्टेयर्स में आपको डबल राउंड देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। किचन के जो काउंटर टॉप होते हैं वहां पे आपको हाफ राउंड देखने को मिलेगी। एक आपका फुल राउंड चलता है, फुल राउंड में पूरी हम राउंड बना देते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से राउंड को कन्वर्ट कर सकते हो।
अगर आपको फुल राउंड दिखानी है। ठीक है, फुल राउंड जब भी आपको करना है तो आप हमेशा देखना नीचे आपकी ये बिडिंग एक लगेगी तभी फुल राउंड हो पाएगा, वरना फुल राउंड नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप हाफ राउंड ही कर पाओगे ऊपर की तरफ वाला, अगर आप ये बिडिंग नीचे की नहीं दे रहे हो तो। अच्छा, अब जो वैनिटी होगी वो हमारी इसके काउंटर के आगे से आनी चाहिए या पीछे होनी चाहिए? क्यों? स्पेस तो आगे खुलेगा ही, पीछे नहीं होगी भाई। जब आप यहाँ खड़े होगे तो ड्राई वाटर ड्रॉर तो आगे ही खींचेगा। हाँ देखो, अगर लगा हुआ होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये आप यहाँ से आपका पानी का काम होगा है ना, अगर सेम लेवल पे हुई पानी ड्रॉप होगा किस पे गिरेगा? ड्रॉर पे गिरेगा। अब वो वुड का है तो वुड के खराब होने के चांसेस क्या होंगे? होंगे ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए क्या चीज बेटर रहनी चाहिए? अंदर रखी जाए। सो अंदर कितना रखें? इसके लेवल के अंदर अंदर ही रखी जाती है। अब जो हम डिटेल बना रहे हैं ना, ये डिटेल एक्चुअल में कारपेंटर को दी जाती है ताकि वो उसके हिसाब से काम करवा सके। तो हम जो बना रहे हैं इस इन ड्रॉइंग्स को हम शॉप ड्रॉइंग भी कहते हैं। आप देख रहे हो ना, सारी डिटेल लिख रहे हैं हम, कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या साइज का लगेगा, सब लिखा ना हमने। इन्हीं ड्राइंग को आप डिटेल ड्राइंग्स या क्या कहते हो? शॉप ड्राइंग। शॉप ड्राइंग अलग अलग पर्पज से बनाई जाती है। जैसे कि अगर मुझे स्टोन वाले को देनी है तो स्टोन वाले को देने के लिए मुझे ये सारी चीज दिखाने की जरूरत है? शीशा दिखाने की जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, जब उसमें स्टोन लगेगा तो शीशे के पीछे स्टोन आएगा या नहीं आएगा? स्टोन नहीं आएगा, आएगा। देखो स्टोन हमारा महंगा है, स्टोन या टाइल लगेगा कोई भी भाई, अगर आप वॉशरूम में स्टोन या टाइल लगाओगे तो आप अच्छा दिखने वाला लगाओगे ना, तो वो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आपने मान लो स्टोन लगा दिया और उसके ऊपर आपने शीशा लटका दिया बड़ा फुल जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो वो स्टोन दिखेगा? तो आप अपनी कॉस्टिंग को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? नहीं, वुडन बोर्ड नहीं, नहीं बाथरूम में टाइल तो लगेंगी क्योंकि सीलन आएगी आएगी, ठीक है, तो कच्चे टाइल्स आते हैं हमारे, ठीक है, हम वो टाइल्स लगाते हैं मिरर के पीछे ताकि क्या है, हमारा स्टोन की कॉस्टिंग भी कम हो जाए और सीलन से भी हम बच जाए, वरना आप स्टोन नहीं उस वो टाइल्स नहीं दोगे तो क्या होगा, वॉल में सीलन आने के चांसेस तो है ही है। टाइल लग जाएगा तो सामने से दिखेगा नहीं ना। कच्चे टाइल में तो टाइल्स ही होते हैं, वेट्रीफाइड टाइल्स नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है ना, वो हम फिनिशिंग हाँ वही वो 10 रुपए 15 रुपए के आपको टाइल मिल जाते हैं, वो भी कर देते हैं कॉस्टिंग से बचने के लिए, पेंट से पेंट भी कर देते हैं हाँ, लेकिन ज्यादातर टाइल्स ही देने चाहिए। इसी तरीके से जैसे हमारे रूम में कबर्ड आ रही है ना, मान लो ये वॉशरूम की जो वॉल है, इस वॉल से अटैच हमारा ये रूम है, उसके यहाँ हम यहाँ पे वार्डरोब दे रहे हैं, तो क्योंकि वॉशरूम की वॉल है तो हो सकता है कि सीलन आएगी। अगर आपने कबर्ड दे दी तो कबर्ड के अंदर सीलन हमें बाहर से तो नहीं दिखेगी लेकिन अंदर सीलन आ जाएगी, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम वार्डरोब दे रहे हैं उसको आप अपनी वॉल से हल्के से गैप पे रखो, एक काम किया जा सकता है। दूसरा काम किया जा सकता है कि वॉल पे हमने पहले टाइल्स की कवरिंग दे दी, उसके बाद उसको कवर से ढक दिया, और वो टाइल्स ज़्यादा कॉस्ट के नहीं बैठेंगे आपको, जितना प्लास्टर की कॉस्टिंग आएगी उतने में ही आपका टाइल लग जाएगा। भाई आप प्लास्टर तो करवाओगे ना, प्लास्टर करवाओगे, पुट्टी करवाओगे, पेंट करवाओगे, उन सारी कॉस्टिंग के अंदर ही आपका टाइल भी लग जाएगा, वही वाला। वो नॉन वेट्रीफाइड टाइल्स होते हैं सिर्फ सीलन से बचने के लिए, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होती उनकी, बहुत जल्दी चटक भी जाते हैं, इसीलिए वॉल पे ही दिए जाते हैं, फ्लोरिंग पे हम देते ही नहीं है वाले टाइम। अच्छा सो ये सारी चीजें हम जब स्टोन वाले को देंगे तो हम उसको बताएंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टोन का मटेरियल लगना है। भाई स्टोन भी तो या टाइल भी तो अलग अलग टाइप के यूज किए जाते हैं ना,
कई बार ग्रेडियंट का फॉलो किया जाता है, मतलब दो अलग अलग टाइल का आपको यूज करने हैं। हाई एंड टाइल लगाता है स्टोन, टाइल या स्टोन, हाँ वही लगेंगे। ठीक है, अब उसमें भी डिपेंड करता है, जैसे कि कोई हाई एंड क्लाइंट है तो स्टोन लगवाएगा, ठीक है, कोई मिड रेंज क्लाइंट है तो वो टाइल लगवाएगा, कोई बजटेड क्लाइंट है बिल्डर से तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ 3 फिट या 4 फिट तक टाइल लगवा देगा, बाकी ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन वॉशरूम में हमें कोशिश करनी चाहिए कि फुल 7 फिट तक टाइल या स्टोन दे दो, जो भी आप दे रहे हैं, उससे सीलन भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, एस्थेटिक भी अच्छा लगेगा। भाई आपने 4 फिट तक तो स्टोन टाइल दिया, उसके बाद ऊपर आपने पेंट कर दिया तो सीलन दिखे दिखने लगेगी बाद में अगर जब आएगी। दूसरी चीज क्या है, उसका लुक आपको टूटा हुआ दिखने लगेगा, वॉल में क्या होगा ब्रेक पॉइंट दिखने लगे ना हमें, तो वो जो वॉशरूम है वो ज्यादा हाइट का ना लग के क्या लगेगा, कम हाइटेड लगेगा। हाँ, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि फुल हाइटेड ही टाइल्स या स्टोन दिया जाए। बट अगर क्लाइंट बजट पे होता है तो फिर हमें ऐसा करना पड़ता है। और मॉल्स वगैरह में आप जाओगे वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे जो ग्रेनाइट है वो आपका 4 फिट तक ही लगाते हैं वो ज्यादातर। जो अच्छे मॉल्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ फुल हाइटेड देखोगे, बट जैसे कि बस स्टॉप वगैरह है या आप किसी लोकल पब्लिक टॉयलेट में जाओगे तो वहाँ देखना आपको 4 फिट तक मिलेगा। यहाँ तक कि इवन आपके हॉस्पिटल्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पत्थर या ग्रेनाइट जो दिखेगा वो 4 फिट तक ही देखने को मिलेगा। मेट्रो स्टेशन में आप जाते हो, मेट्रो स्टेशन की वॉल आप देखना 4 फिट तक आपकी ग्रेनाइट दिखेगा, उसके बाद भी वो पेंट कर देते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ कहाँ पे स्टोन लगेगा नहीं लगेगा उसके लिए हम इन्हीं से ही अपनी ड्राॅइंग को निकालते हैं, तो वो चीज़ हम बाद में करेंगे। पहले हम इसका एक सेक्शन कट कर लें, यहाँ से बीच में हम सेक्शन कट कर रहे थे, सामने हमारा डोर आ गया, वैनिटी का हमने ये बना दिया। अब आप वैनिटी का दिखाने के लिए आप यहाँ से रेफरेंस ले लीजिए और इसका रेफरेंस आप यहाँ से ले लो। नीचे से हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है, F enter, R enter, 0.5 enter, M enter multiple, ठीक है, वैनिटी हो गई हमारी। अब वैनिटी के ऊपर हमारा क्या होगा, सिंक लग रहा है ना जैसे इसमें दिखा रखा है, तो उसके लिए मैंने लाइन ले ली यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए 4 inches। फॉसेट मैंने फिर एक सर्किल ले लिया 5 inches का या 3 inches का, इसके मिडल से उठा के यहाँ रख दिया। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप भी इसे ही बनाओ, आप चाहो तो catalogs.com से जाके चेक कर लेगा, अगर कहीं पर फॉसेट का साइड व्यू मिलता है तो आप उसको भी पिकअप कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने आपको एक बना के दिखा दिया, तो फॉसेट साइड से देखेंगे हम तो इसी टाइप से ही तो दिखेगा। अच्छा, अब पीछे क्या आ रहा है यहाँ पे, मिरर बिल्कुल वॉल में चिपक के तो नहीं आता हमारा, 1.5 इंची का गैप आता है लगभग, ठीक है, 1.5 इंच का गैप दोनों केस में आएगा। अगर आप प्लेन मिरर दे रहे हो तो 1.5 इंच का गैप नहीं आएगा, फिर क्या होगा, एक वुड का बोर्ड लगेगा उस पर आपका मिरर पेस्ट होगा, ठीक है, सिंपल सा ऐसा होता है। बट जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मिरर कौन सा लगा रहे हैं, लाइट वाला मिरर है। अब लाइट के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कोव बना के अंदर लाइट पीछे लाइट दी हो, उसकी लाइट किधर पड़ती है, वॉल पे पड़ती है हमारी। एक आजकल मिरर आ रहे हैं लाइट वाले, उनमें इनबिल्ट लाइट आती है हमारी, है ना,
दोनों टाइप की मिरर के लिए 1.5 इंची की थिकनेस आती है हमारी। अगर आप कोव बनाओगे तो 1.25 इंची का कोव मिलेगा, 1.5 इंची का फिर आपका मिरर लेगा, तो 1.5 इंची वैसे हो जाएगा। और अगर आप लाइट वाले मिरर ले रहे हो तो उनकी थिकनेस ही 1.5 इंची आती है, क्योंकि उनके पीछे क्या होता है 1.5 इंची का एक फ्रेम लगता है, उस पर आपकी अंदर लाइट लगती है, फिर उसके ऊपर आपका शीशा चपक जाता है, ये प्रोसेस रहता है। तो इसलिए 1.5 इंचेस हमें आगे लेना होगा। तो उसके लिए रेफरेंस ले लेते हैं हम यहाँ से, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट याद दिया, सेकंड याद दिया, ऑफसेट किया मैंने 1.5 इंचेस आगे ले लिया, ट्रिम कर दिया, ये आ गया। अच्छा, हमने इसमें कहीं साइड लाइट लटकाई नहीं, वरना पेंडेंट लाइट भी लटका सकते थे, जैसे लाइट्स होती है ना साइड लाइट, यहाँ से हम किसी भी एक कॉर्नर से लटका सकते थे। खैर, जब हम इसको बना रहे हैं कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी तो होना चाहिए, स्विच बोर्ड। हाँ, स्विच बोर्ड, जहाँ से जैसे आप वॉशरूम में एंटर करो कम से कम स्विचेस का एक बोर्ड तो होना चाहिए ना, जहाँ से आप लाइट जला सको, एग्जॉस्ट फैन चला सको, गीजर चला सको, डोर के पास होना चाहिए। अब देखो डोर इधर की तरफ खुल रहा है, तो इधर की तरफ स्विच बोर्ड देना क्या कोई अकलमंदी है? नहीं, इधर की तरफ रहेगा। ठीक, अब यानी कि हमें यहाँ पे ये वाली वॉल पे स्विच बोर्ड भी देना पड़ेगा। ये यही वाली वॉल तो है हमारी, इसका स्विच बोर्ड की पोजीशन क्या होगी? स्विच बोर्ड कम से कम हम 6 इंच ऊपर लगाते हैं, जो हमारा काउंटर होता है उससे 6 इंच ऊपर लगाते हैं कम से कम, ताकि जब आप उसके, जैसे कि मान लो आप अपने कोई एलिमेंट लगा रहे हो, ट्रिमर लगा रहे हो या हेयर ड्रायर लगा रहे हो, तो उनके जो वायर होते हैं वो नीचे आते हैं बेंड होके, है ना, तो वो उनमें के जब वायर बेंड होके आएंगे, जैसे आपका सपोज जैसे ये चार्जर का वायर है आप देख रहे हो, ये नीचे बेंड होके आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये बेंड के लिए ट्रेवल कर सके, आराम से बेंड होके आ सके, तो इसलिए काउंटर से बिल्कुल चिपका के नहीं लगाना। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि काउंटर में पानी की छींटे जाएंगी, अगर सेम लेवल पे होगा तो पानी की छींटे उस पर जाने के चांसेस रहेंगे। छः इंच मैंने इसलिए बताया, मिनिमम 6 इंच रहता है, उसके ऊपर आप दे सकते हो 6 इंच से 8 इंच ले लो आप, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि काउंटर हमारा जो है वो 2 फिट 9 इंच 10 इंच पे है, है ना, 4 फिट आप मैक्सिमम 4 फिट रख सकते हैं, उससे ऊपर होगा तो क्या होगा, ओवर हाइट हो जाएगी, हर किसी की अप्रोच में नहीं होगा, जैसे बच्चे जा रहे हैं तो उनके भी हाइट लेवल पे होना चाहिए हमारा, तो 3.5 से 4 फिट का स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अच्छा, अभी स्विच बोर्ड में क्या क्या रहेगा हमारा? एक स्विच हमारा रहेगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन कनेक्ट करना है, चार्जिंग पे लगाना है ना, या ट्रिमर लगाना है, हेयर ड्रायर लगाना है, इन चीजों के लिए एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हाँ, इलेक्ट्रिक ब्रश आ रहा है, हाँ, लेकिन वो चार्जिंग वाले आते हैं ना। अच्छा, ट्रिमर भी चार्ज वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो एक पावर सॉकेट रहेगा हमारा। अच्छा, फोन के लिए जैसे हम लोग के टाइम पे हम लोग क्या है, आपने मेट्रो में देखा होगा फोन के लिए क्या होता है, यूएसबी जैक बने हुए होते हैं, तो हम लोग एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, वाले अडेप्टर डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे एलजी है या पैरासोनिक है, ये कंपनी उस टाइप के स्विचेस बनाती हैं, उनके अंदर भी अडेप्टर होता है, बट वो क्या होता है आपका बोर्ड के अंदर हाइड अवे रहता है, तो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो हमें फोन का भी एक सॉकेट देना पड़ेगा। अब आज के टाइम पे टाइप सी जो हो रहा है वो ज़्यादा कॉमन स्टैंडर्ड हो रहा है, सारे कंपनीज टाइप सी ही अब बना रहे हैं, तो अब आज के टाइम पे कोई लगवाएगा तो वो टाइप सी ही लगवाएगा, ठीक है। जैसे पहले टाइम पे हमारे क्या होते थे, यूएसबी लगते थे जो सॉकेट्स होते थे, नए मेट्रो में आप देखोगे तो टाइप सी और यूएसबी दोनों मिलेंगे, लेकिन अगर आप पुरानी मेट्रो में देखोगे तो वहाँ पे आपको यूएसबी मिलेगा, क्योंकि पहले यूएसबी हब चलता था स्टैंडर्ड, लेकिन अब क्या चल रहा है, टाइप सी चलने लगा है, तो एक सॉकेट उसका भी रहेगा। अब जैसे क्योंकि हमें फ़ोन भी चार्ज करना है, ट्रिमर भी लगाना है, दोनों एक टाइम पे लगाने हैं, अगर मैंने एक ही सॉकेट दिया तो उसमें या तो ट्रिमर कनेक्ट होगा या चार्जर कनेक्ट होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, एक तो सॉकेट दे देते हैं पावर सॉकेट, उसमें आपका ट्रिमर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा एक हमारा हम क्या दे देंगे, यूएसबी टाइप सी और वो टाइप ए या टाइप बी कोई भी एक सॉकेट वो डाल देंगे सॉकेट उसका, तो दो स्विचेज ये हो गए हमारे। अच्छा, जब स्विच बोर्ड सॉकेट दूंगा मैं, सॉकेट जो होता है आप सामने देख सकते हो, एक सॉकेट कितने स्विच की जगह ले रहा है हमारा, दो सॉकेट, एक स्विच को कहते हैं हम एक मॉड्यूल,
एक स्विच अगर हम लगाएंगे तो उसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर लेने जाएंगे, हम मॉड्यूलर स्विच बोर्ड लगाते हैं आज के टाइम पे, नहीं लगाते हैं। मॉड्यूलर क्या होता है, स्विचेज के हिसाब से हमारे मॉड्यूल आते हैं उसके। एक स्विच मतलब सिंगल मॉड्यूल, दो स्विचेज मतलब दो मॉड्यूल का स्विच बोर्ड, इसी तरीके से चार स्विच मतलब चार स्विच, चार मॉड्यूल का स्विच बोर्ड हमारा। इवन स्विच बोर्ड नंबर की बोर्ड, इवन मॉड्यूल ही आज के टाइम पे हमारे यूज किए जाते हैं। तो हमें कितने स्विच बोर्ड का यहाँ पे देना होगा, उसके लिए पहले हमें अप्लाइंसेस की हमें कैटेगरी को फाइंड आउट करना होगा कि क्या क्या चीज़ कनेक्टिविटी में हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो एक तो सॉकेट का हो गया, यानी कि दो मॉड्यूल हो गया उसके लिए। सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच होगा, तो कितने हो गए, तीन। एक यूएसबी के लिए हम दे रहे हैं, कितने हो गए, चार स्विचेस की जगह चली गई। इसके अलावा और कोई स्विच होगा इसमें, एक एग्जॉस्ट फैन के लिए होगा, कितना हो गया, पाँच। वॉशरूम की लाइट भी तो हमें ऑन करनी होगी, है ना। अब बड़ा वॉशरूम है तो एक सिंगल लाइट से काम चलेगा हमारा, नहीं, मल्टीपल लाइट्स होंगी। मल्टीपल लाइट्स कैसे होगी, दो लाइटें इधर की तरफ होंगी, उन दोनों को एक साथ आप ऑन कर सकते हो। दो लाइट इधर की तरफ होगी, उन दोनों का स्विच एक, हाँ, निश की लाइटिंग, वो तो आप एक साथ ही सबको निश की लाइटिंग एक साथ ही कर देंगे। सीलिंग फैन भी, हाँ, एक सीलिंग फैन सेंटर पे भी डालेंगे। हाई इंटेंस में सीलिंग फैन भी पड़ता है जरूर, ये याद रखिएगा वॉशरूम में। ठीक है, एक सीलिंग फैन भी रहेगा। हाँ, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसके मॉड्यूल निकाल के लेके आने हैं कि कितने मॉड्यूल का स्विच बोर्ड लगेगा। आपको पहले लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ दी जाएगी। जैसे एग्जॉस्ट फैन रहेगा, गीजर भी रहेगा हमारा, है ना। अब एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगा होगा, अच्छा आप मुझे इसमें बताओ कहाँ लगा होगा। विंडो है उसके पास ही लगा होगा, हमने यहाँ पे दिया भी था ना, ये इस टाइप से दिया था, तो इसके पास एग्जॉस्ट फैन लगा होगा। अच्छा गीजर कहाँ होगा, गीजर के कहते हैं बाहर उसके पास ही लगेगा, है ना। अगर हमने इसके ऊपर स्विच बोर्ड कबर्ड नहीं दी होती यहाँ पे, उसके पास स्विच बोर्ड उसके पास होता है, लेकिन वो खाली क्या होता है, पावर का सॉकेट प्लग देते हैं। स्विच हम नॉर्मल स्विच बोर्ड में डालते हैं और एमसीबी डालते हैं आज के टाइम पे। जैसे एसी है, विंडो स्प्लिट एसी लगाते हैं, स्प्लिट एसी ऊपर छत पे लगता है, वॉल के ऊपर हाइट पे लग जाता है हमारा, तो सॉकेट हमारा उसके पास दे देते हैं, लेकिन उसके स्विच कहाँ देते हैं, नॉर्मल हाइट पे देते हैं। अब जैसे ट्यूबलाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट का पॉइंट से कनेक्शन दे दिया हमने, लेकिन ऑन किससे हो रही है, स्विच से हो रही है, स्विच बोर्ड हमने अपनी रेगुलर हाइट पे दे दिया। यही चीज़ आपके गीजर और एसी के साथ भी हम करते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, गीजर के पास ही एमसीबी डालते थे हम, तो अगर मुझे गीजर ऑन करना होगा, गीजर कहाँ लग सकता है, यहाँ पे देखो इसके पास, इसके ऊपर की जो खाली जगह है यहाँ लग जाएगा एक हॉरिजॉन्टल में, अगर अंदर ही देना है तो। वैसे तो हाई इंक्लाइन में कोशिश करते हैं हम बाहर की तरफ दें, जिससे कि वॉशरूम पूरा नीट एंड क्लीन दिखे, लेकिन अगर फिर भी इसमें देना पड़े तो हम यहाँ पे दे सकते हैं इस पोजीशन पे, यही एक पोजीशन बच रही है, नहीं ऐसे लग जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, नहीं हॉरिजॉन्टल गीजर आ जाएगा 1.5 फीट भाई, आराम से आ जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो बहुत ही आराम से आ जाता, लेकिन क्योंकि कबर्ड दे रहे हैं हम तो यहाँ को ऊपर सेटअप किया जा सकता है आराम से हमारा, है ना। ठीक है, तो इधर की तरफ गीजर आएगा तो एक सॉकेट इधर की तरफ होगा, लेकिन उसका कंट्रोल पॉइंट कहाँ होगा, इधर जो बोर्ड आएगा हमारा उसके पास ही होगा। तो आपको कल वो कैलकुलेट करके लेके आना है कितने एलिमेंट्स हमारे लगेंगे। मैं अभी के लिए खाली स्पेसिंग एलोकेट कर दे रहा हूँ उसकी, तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, मैंने साइज दे दिया, सॉकेट सिंगल मॉड्यूल के भी आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम डबल मॉड्यूल वाला ही देते हैं। जैसे कि आप देखोगे ना, पीछे देख सकते हो, ये डबल मॉड्यूल वाला है, ये सिंगल मॉड्यूल वाला भी आता है जिसमें दो स्विच दो होते हैं खाली। इनमें क्या होता है, अर्थिंग के लिए अलग से ऊपर दिया हुआ रहता है, जो बड़ा वाला देख रहे हो आप ऊपर वाला, एक न्यूट्रल है, एक फेस हो गया नीचे वाले, और ऊपर क्या हो गया आपका, अर्थिंग वाला हो गया, है ना।
इसी में एक पावर सॉकेट आता है, पावर सॉकेट में आपका डबल एलिमेंट दिखेगा ऊपर उसकी तरफ, जैसे आपकी जहाँ फ्रिज कनेक्ट है या आयरन कनेक्ट है वो आप जहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, या कूलर लगाते होगे या एसी का सॉकेट लगाते हैं स्विच वो होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक पावर सॉकेट होता है हमारा। हाँ वो साइज ये दो मॉड्यूल में ही फिट होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। अच्छा सो मैं इसको पहले प्लेस कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से पिक किया। और मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया ऑर्थो को ऑन करके, पहले मैंने 3.5 फिट रखा, 3.5 फिट इस हाइट पे आ रहा है। नहीं देखो हाइट कितनी हो जा रही है, ये 1 फिट बहुत इनफ है, ठीक है, इस ज्यादा ऊपर करने की हमें इससे नीड नहीं है, इसी हाइट पे रख लेते हैं हम। तो साइड भी दिखेगा ना फ्रंट से, उसका स्विच बोर्ड का, स्विच बोर्ड इस वाली वॉल पे लगा होगा ना, ये वाली वॉल पे लगा होगा ना स्विच बोर्ड, तो यहाँ से आप यहाँ से कट करके इधर देख रहे हो तो फ्रंट व्यू दिखेगा हमें, यही तो व्यू दिखेगा हमें, तो वही हम यहाँ पे दे दिया। देन ये वाला जो प्लेटफॉर्म था ये हमने कितना ऊपर लिया था, 3 इंचेस ऊपर लिया था, तो यहाँ से भी फ्लोर में हमें 3 इंचेस का राइज देखने को मिलेगा या नहीं, हमने 3 इंच ऊपर कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया और इसको ट्रिम कर दिया। अब ये बाथटब बीच में से क्या होगा, कट हुआ हुआ दिखेगा, तो एक्सेल एंटर री एंटर टॉप पॉइंट का रेफरेंस हमने यहाँ से ले लिया, और फ्रंट की इसकी हाइट यहाँ से आप देख सकते हो कितनी दिखा रखी है, 2 फिट तो नीचे से थी टोटल, 1 फिट 9 इंच दिखा रखी है यहाँ से, तो इसको भी 1 फिट 9 इंच पे ऑफसेट कर देते हैं। अब हमने इसको हल्का सा ओवल टाइप से बनाया था, यहाँ से आप देख सकते हो अंदर रखा था नहीं रखा था, तो मैं इसी एज को कॉपी कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे रख देता हूँ, जा गया हमारा, इसको आप ऑफसेट कर दो, ओ एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, ऑफसेट कर दिया हमने। अब इन लाइन की जरूरत थी, इनको डिलीट कर दो आप, एम आई एंटर, ओके, इसको आप लाइन से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब ये सॉलिड प्रोफाइलों के बीच में से तो हॉलो ही रहता है ना, तभी तो उसमें पानी फिल होगा, अदरवाइज पानी फिल हो पाएगा क्या, और सेंटर पे एक होल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, पानी की ट्रेन के लिए। और मैंने इसी को मिरर किया, इसको मूव किया, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा बाथटब सेटअप हो गया पूरा, डोर भी तैयार हो गया, ऊपर की फॉल सीलिंग आ गई, बाथटब आ गया, ठीक हो गया कंप्लीट हमारा। यहाँ पे एक हमारा
मैंने नीचे से 5 फीट ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे जरूर देते हैं जिसमें अपने बाथरोब वगैरह जो है उनको हैंग कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आप वेयर हाउस कैट ब्लॉक्स में जाके क्लोथ्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बाथरूम के क्लोथ्स वगैरह कुछ दिख जाएंगे, आप उसको कॉपी करके यहाँ पे टांग सकते हो। बाथरोब होती है ना हमारी जैसे, तो उसको हैंग करने के लिए एक पॉइंट दे सकते हो आप, तो 5 फीट के ऊपर यहाँ पे आप एक पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है, सो ये पूरा तैयार हो गया हमारा। अब इसकी डिटेल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे ये तो हमारा ओपन रहेगा, इसको ट्रिम कर दिया हमने। इस पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, कोव दे रहे हैं हम, कोव लाइट हमारी आएगी। तो लाइट को दिखाने के लिए मैंने डोनट कमांड दिया, डीओ एंटर किया, इनर डाया मैंने 0 का दिया, आउटर डाया मैंने 0.5 का दिया और इसको उठा के यहाँ रख दिया। कलर इसका चेंज कर दो, येल्लो या हल्का सा ऑरेंज टाइप से कर दो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ड्रॉअर आएगा हमारा, सेक्शन कट हो रहा है, ये किसका होगा, बोर्ड का बना होगा, तो 0.75 0.75। पीछे की तरफ कवरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, क्योंकि वार्डरोब तो है नहीं जो पीछे की तरफ प्लाई लगा के कवर करना पड़े हमें, हम टाइल से भी ओपन टाइप भी रखते हैं, मटेरियल बच भी जाता है हमारा। अब इसमें बीच में एक पार्टीशन है, 4 इंची का लगा देते हैं खाली बस, जैसे कि एक ऊपर दे दिया ताकि लपक नहीं मारे ना, 4 इंची का एक ऊपर और एक नीचे वो दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो क्या एक डिवीजन है ना, तो वो डिवीजन यहाँ पे भी आएगा हमारा। मैंने इनका मिडिल पॉइंट देखा है कहाँ पे आ रहा है, 8 इंची का मिडिल पॉइंट नीचे से, मैंने नीचे से 8 इंच ऊपर ऑफसेट कर दिया और इसका 0.35 ऊपर 0.35 नीचे कर दिया, 0.35 पौन इंची का आधा, 0.75 इंच का हाफ ऊपर हाफ नीचे कर दिया और इनको हमने ट्रिम कर दिया इस तरीके से। ही तो रहेगा आगे तो हमारे ड्रॉर रहेंगे ना, तो 0.75 इंच को भी अंदर कर दिया। अब ड्रॉर को खोलने के लिए हमें क्या देना होता है, हैंडल देते हैं या ग्रूव दे देते हैं हम। वो ग्रूव देने के लिए आपने यहाँ से 0.25 इंच का ऑफसेट कर दिया इधर, 0.5 इंच का ऑफसेट कर दिया नीचे और दोनों को मिला दिया इस तरीके से। बाद में ये लाइन को डिलीट कर दिया और ट्रिम कमांड पे ट्रिम कर दिया। देखो ये ग्रूव आ गया, इसमें हम हाथ डाल के क्या कर सकते हैं, इसको स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं, तो हमें अलग से हैंडल या प्रोफाइल कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करके नीचे रख सकते हैं। करेक्ट, अब ये जो होगा हमारा बन जाएगा। ठीक है, हाँ नीचे से यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसका अपोजिट कह रहे हो आप, नीचे दे देते हैं, हाँ वो भी आ जाता है। दोनों टाइप के चलते हैं इस तरीके से कह रहे हैं ना आप, नीचे नहीं होता ऊपर ही है, नीचे से हाँ वैसे भी खोल सकते हैं, वो इधर की तरफ कट होता है साइड पीछे, हाँ तो इसी वजह से पीछे रखते हैं, बट हाँ दोनों चीजें चल सकती हैं हमारी। ठीक है, खैर तो ये हो गया हमारा। अब पीछे की जो हम बात कर रहे थे, 3 से 4 इंचेस की हमारी सपोर्ट आती है हमारी, तो 3 इंच मैंने नीचे कर दिया और 0.75 इंचेस इसको ऑफसेट कर दिया।
या आप पूरा ही कवर कर लो, एक काम करो। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा वैनिटी का डिजाइन हो गया पूरा। ये शेल्फ हो गए, इसमें क्या होगा हमारा, ठीक है। इसका नीचे यहाँ पे बॉटलनेक ट्रैप आएगा आपका, और ये पाइप आपका वॉल के अंदर चला जाएगा। बॉटलनेक ट्रैप हल्का से नीचे आता है, नीचे से ओवल टाइप से होता है। टाइप से रहता है थोड़ा, ठीक है। खैर बॉटल नेक ट्रैप आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये टाइप की जिसमें हम स्पेसिंग देते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का बॉटल नेक ट्रैप लगा देते हैं, जिससे कि पानी हमारा क्या है, वेस्ट वाटर वॉल के ज़रिए हम फिर बाद में शाफ्ट में निकाल देते हैं उसको। और नीचे वैनिटी हम अपने फुल साइज के बना देते हैं। हम लोग के घर में क्या होता है, यहाँ से एक फ्लेक्सिबल पाइप रख के नीचे आता है, तो उसमें हमें वैनिटी में कट देना पड़ता है, तो स्टोरेज हमारा क्या होता है, वहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आपको बॉटल नेक ट्रैप सिस्टम ही देना पड़ेगा, तो उसका इस तरीके से रहता है। अब ये सामने से दिखेगा इसका पाइप, तो इसीलिए आगे की तरफ हम लोग क्या देते हैं, कई बार कवर कर देते हैं, कई बार ये वाले स्टोन की टक्कर को ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कि वो कवर हो जाता है। हाँ, शेल टाइप का जो खुलता है, शटर डोर टाइप से क्या करते हैं, तो उसके बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन करते हैं, या कई बार इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसमें फिर हम लोग ऊपर की तरफ आपके टॉवल्स वगैरह जो होती हैं वो रख देते हैं, उनसे छुपा देते हैं उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। अब इसकी डिटेल आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे ये क्या है आपका स्टोन है, और ये मटीरियल कौन सा है हमारा, गोल्डन। हाँ, ये 1.5 इंची का स्टैंडर्ड पाइप लेते हैं हम। वुड को हमने अलग मटेरियल से हैच कर दिया, और जो हमारा वो था स्टोन था, उसको आप एक अलग मटेरियल से हैच कर दो। ताकि आप मटेरियल में डिफरेंस समझा पाओ। ठीक है, अब हैच कमांड पे गए, यहाँ पे हमने हैच कर दिया पीसीसी का। इस तरीके से हमने अपना ये एलिवेशन कंप्लीट कर लिया इसका। अब इसकी डिटेल आप दिखा सकते हो, डिटेल क्या दिखाना है, जैसे ये वॉल किस में फिनिश रहेगी हमारी, स्टोन में ही रहेगी या टाइल्स में रहेगी, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं उसी को कॉपी कर देता हूँ।
अब वो क्लाइंट के ऊपर है कि वो स्टोन से जा रहा है या टाइल्स से जा रहा है, क्या चीज बेटर रहती है? क्लाइंट के अकॉर्डिंग अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे हम, तो परचेज कॉस्ट मटेरियल की स्टोन और टाइल की सेम भी आ जाती है कई बार। जैसे हम अगर स्टोन देना चाहते हैं ना, हम सपोज ग्रेनाइट दे रहे हैं, तो ग्रेनाइट आपका 75-50 प्लस से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग ग्रेनाइट आपके 75 में आपको एक मॉडरेट स्टोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसकी हम बात करते हैं 75 में हमें टाइल्स भी मिल जाएगा बहुत अच्छा। लेकिन जब पेस्टिंग की बात होगी तो टाइल को आपको क्या करना है, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, उसमें पॉलिश नहीं करवानी है हमें, तो पॉलिशिंग का खर्चा हमारा बच जाता है, क्योंकि टाइल्स जो होते हैं वो प्री पॉलिश्ड आते हैं। सिर्फ हमें पेस्टिंग करवानी होती है, उसकी कॉस्टिंग हमारी 25 से 35 रुपये पर स्क्वायर फीट चली जाती है अलग अलग जगह के हिसाब से। तो अगर मैं टाइल लेता हूँ 75 रुपये की बेस कॉस्ट में मैं टाइल खरीद रहा हूँ, और 25 से 75 रुपये अगर उसकी कॉस्टिंग जा रही है लगाने की, तो मुझे 105 या 100 रुपये का पड़ जाता है पर स्क्वायर फीट। लेकिन वहीं अगर मैं स्टोन ले रहा हूँ तो 25 से 75 रुपये 35 रुपये तो आपकी क्या होगी, पेस्टिंग की कॉस्टिंग जाएगी, फिर कम से कम 15 से 20 रुपये वो पॉलिश की कॉस्ट अलग जाएगी। हाँ, इसीलिए पॉलिश करवाना पड़ेगा हमें, तो वो इतनी कॉस्ट और जाएगी। तो अगर मैं स्टोन 75 का लेता हूँ तो एक्चुअल आप ये मान के चलो 50 रुपये से 75 रुपये तक उसकी लेबर कॉस्ट चली जाती है, लेबर और उसमें जो मैंने लगाने के लिए मटेरियल कॉस्ट चली वो इतनी चली जाती है। तो इस वजह से परचेज, जब मटेरियल परचेज करने जाएगा क्लाइंट, तो उसको दोनों सेम मटेरियल कॉस्ट के दिखेंगे। भाई स्टोन वो कहेगा कि स्टोन भी तो 75 का है, मैं टाइल से क्यों जाऊँ, मैं स्टोन लेता हूँ 75 रुपये का टाइल ले रहा हूँ, जाहिर सी बात है स्टोन ले सकता है। लेकिन कंपनी में जब देखने जाएगा वहाँ तो उन्होंने पॉलिश करके रखे हुए हैं, जब उसको भेजेंगे तो वो क्या होगा, रफ आएगा, ठीक है। प्री पॉलिश भी आते हैं, कुछ इटालियन स्टोन आते हैं जो प्री पॉलिश आते हैं, लेकिन हाँ वो 2000 रुपये स्क्वायर फीट तक चले जाते हैं, वो इटाली से इम्पोर्ट किए जाते हैं यहाँ पे। स्टोन स्टोन वो हाँ वो कट स्टोन पीसेज मिलते हैं, वो टाइल्स के शेप में भी आते हैं और आपको कम कॉस्ट के भी मिल जाते हैं। तो कई बार स्क्रैप वगैरह जो होते हैं ना, वो डिपेंड करता है आप कौन सा स्टोन ले रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले हो सकता है बताया नहीं बताया, स्टोन की अलग अलग कैटेगरी आती हैं। जैसे कि कुछ स्टोन होते हैं वो ब्रिटल आते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। कुछ स्टोन आते हैं जो रफ होते हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं, वो आपको सस्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वॉल वगैरह में वो चल सकता है, क्योंकि आप पॉलिश वगैरह कराओगे वॉल पे, बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं जाएगा, अगर वॉल पे आपको स्टोन वगैरह लगाने वहाँ चल जाएगा, या ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पानी का यूसेज कम है वहाँ चल जाएगा। लेकिन जहाँ पानी का, जैसे बाथरूम का फ्लोर है, अब मैंने उस पोरस वाला दे दिया तो पानी क्या होगा उसके अंदर अटकने लगेगा, है ना, तो वो क्या होगा जल्दी ख़राब हो जाएगा वो। हाँ, पानी जाते जाता है, इसीलिए तो पॉलिश करवाते हैं ना उसको, ताकि वो स्मूथनेस दे सके, ठीक है। और फिर स्टोन में बस ये होता है नेचुरल लुक आता है, टाइल्स में नहीं आता नेचुरल। लेकिन आजकल टाइल्स भी आ रहे हैं जो स्टोन फिनिश पे आ रहे हैं हमारे, आप उनसे जा सकते हो, उनकी कॉस्टिंग भी लेकिन हाई ही है, रहती है। नॉर्मल टाइल खरीदने जाओगे आपको 25 रुपये से टाइल स्टार्ट हो जाता है, और 75 रुपये 150 रुपये तक चला जाएगा, मतलब 75 और 150 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी का टाइल आपको मिल जाएगा वेट्रीफाइड। लेकिन वहीं अगर स्टोन में जाएंगे तो 75 या 50 रुपये से बेस कॉस्ट स्टार्ट होती है उनकी, जो पोरस होता है वो वॉल के लिए चल जाएगा लेकिन फ्लोरिंग के लिए नहीं चलता वो। लेकिन बात वही है कि फिर कॉस्टिंग की, फ्लोरिंग पे अगर मैं वाला लगाऊंगा नॉन पोरस वाला तो महंगा पड़ जाएगा मुझे, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें। इसी तरीके से स्टोन की अलग अलग थिकनेस आती है, और थिकनेस के हिसाब से उनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। एक स्टोन आ रहा है वो 15 mm का आया, 16 mm का आ रहा है, एक स्टोन आ रहा है जो 20 mm का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 20 mm वाला स्टोन पर स्क्वायर फीट मुझे कॉस्टिंग में क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा वो, ठीक है। सो अब जो मटेरियल क्लाइंट कहेगा हम तो वही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिनिश विद स्टोन है सेलेक्टेड कर दिया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट यूनिट हो गया। जब कल आप इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट डिसाइड करके लेके आओगे तब इनके मॉड्यूल और इनके एलोकेशन देखेंगे। ये काउंटर हो गया हमारा,
ये हम जनरली स्टोन फिनिश में ही रखते हैं लुक के लिए, तो इसको कह सकते हैं हम काउंटर फिनिश, काउंटर टॉप स्टोन फिनिश विद स्टोन। ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था शायद। मिनिमम 16 mm की आती है वैसे तो, 12 mm का भी आता है लेकिन बहुत वो लगाते हैं। पुराने टाइम पे आपने देखा होगा किचन के ऊपर ग्रीन कलर का एक स्टोन लगता था, वो 12 mm का आता था हमारा, लेकिन उसकी लुक कुछ नहीं होता। हाँ, और बहुत पतली सी थिकनेस होती है उसकी। आज के टाइम पे आप स्टोन कहीं भी लेने जाओगे 16 mm 18 mm किसी का साइज का आपको स्टोन मिलेगा। ये आपका क्या हो गया? ऑर्थो को बंद किया हमने। ठीक है, इनकी डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ये क्या हो गया, वैनिटी का काकास हो गया है ना। अब वैनिटी की डिटेल हम अलग से दिखाते हैं, जिसमें हमने जैसे अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाले इस व्यू को पूरे को उठा के अलग रख दो, जिसको हम कारकास डिटेल कहेंगे। ये इसका साइड व्यू हो जाएगा हमारा, पीछे लाइन से हमने इसको कवर कर दिया। टॉप व्यू से कैसे दिखेगा ये, मैंने यहाँ से रेफरेंस ले लिया। एक लाइन ले ली, विड्थ कितनी थी इसकी, कितनी है 5 feet 6 inches। तो कितना ले हम यहाँ पे, 5 feet 6 inches एग्जैक्ट नहीं लगा सकते, हल्की सी क्लियरेंस दोनों तरफ से छोड़नी पड़ेगी हमें। तो 5 feet 4.5 inches या 4 inches का हम दे सकते हैं, 1.5 inches की क्लियरेंस, मान लें 1.25 inches की दोनों तरफ से क्लियरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे 5 feet 6 inches का हमने गैप दिया, एग्जैक्ट 5 feet 6 inches की वैनिटी नहीं दे सकते हम, क्योंकि क्या होगा, वॉल कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट नहीं आती है, वॉल की सी क्या होती है, इनमें टेपर रहेगी, वो रिंच रहेगी, तो इसलिए हल्की सी गैपिंग मार्जिन हम लेके चलते हैं। हाँ, तो 5 feet 4 inches की विड्थ दे दी मैंने। ठीक है, ये टॉप व्यू हो गया ऊपर वाला, ये साइड व्यू हो गया हमारा। अब फ्रंट व्यू और बना देते हैं, इसके हिसाब से कितने का लिया था हमने, ये 3 feet। अब इसके बीच में एक पार्टीशन खड़ा होगा इस तरीके से, दो बोर्ड साइड के इस तरीके से लगेंगे। कारकास डिजाइन में हम ये बताते हैं, एक्चुअल में जब ये बनेगी ना वुड से, तो बोर्ड को कैसे कट कर कर करके लगाना है हमें। तो आप देखोगे तो मैंने दो फ्लैट ऊपर के ले लिए, ठीक है, 3 vertical सपोर्ट लगेंगे इसमें और 1 horizontal सपोर्ट भी यहाँ पे आएगा हमारा।
ठीक है। ये वाला तो हमने एक बड़ा ट्रॉट दिया था जैसा आप यहाँ पे देखोगे, तो उसके बीच का सपोर्ट हमें देना नहीं है। यहाँ पे हमने दो पार्टीशन दिए थे तो उनके दो पार्टीशन हमने इस तरीके से दे दिए। बीच का ये ऊपर वाला स्पेस इसका क्या है, ओपन है, खाली है, तो वहाँ पे तो वैनिटी हमें देनी नहीं है, तो उधर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका वैनिटी का डिज़ाइन हो गया। आप इसकी डिटेल यहाँ पे दिखा सकते हो। ये टॉप व्यू हो गया, लिख देंगे टॉप व्यू ऑफ कारकास, ठीक है। टोटल स्पेस हमारे पास यहाँ पे अगर हम विड्थ में देखेंगे तो 5 फीट 6 इंचेस है हमारा, ठीक है। लेकिन जब अगर मैं 5 फीट 6 इंच का बनाता हूँ कोई वैनिटी वॉल और उसको मैं अटैच करूँ तो बिल्कुल खिसके आएगी साइड वाली वॉल से, है ना, जिससे क्या होगा स्टोन में स्क्रैचेस लगेंगे हमारे। इसलिए हमेशा जब भी चाहे वैनिटी हो चाहे किचन डिज़ाइन करें, हम जब भी हम डिज़ाइन करते हैं हम फिलर्स वगैरह देते हैं, तो फिलर में हम क्या करते हैं गैपिंग लेके चलते हैं, मार्जिनल गैप, तो वो आधी आधी पौन पौन इंची का हमने दोनों तरफ से गैप दिया, तो 1.5 इंची का आप ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ले लिया, बट स्टैंडर्ड मिनिमम हम कितने का लेके चलते हैं, 1.5 इंची का गैप ले सकते हो। तो आप उसका आधी इंची चाहो तो और इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, स्टोन में एम एम में लेना पड़ता है, ये तो हम वुड के बात कर रहे हैं, वुड में हम इंच में लेते हैं, ठीक है। तो ये वुड की जो वैनिटी है उसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग शॉप डिटेल हो गई। टॉप व्यू से बोर्ड का जो साइज आएगा वो इतना आएगा। ये इसकी कितने बोर्ड लगेंगे, एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा, दो बोर्ड हो गए। एक बीच वाला ये जो पार्टीशन बोर्ड लग रहा है ये कितने का है, 2 फीट 11.5 इंच का बोर्ड हो गया, ठीक है। फिर जो वर्टिकल बोर्ड आ रहे हैं वो 1 फीट 4.5 इंच के 3 बोर्ड लग जाएंगे हमारे, और इसका जो होगा वुड का बॉक्स शेप आपका तैयार हो जाएगा इससे, है ना। बाद में ड्रॉर इसके अंदर ला के अटैच कर दिया जाएगा। ये टॉप व्यू हुआ, ये इसका फ्रंट व्यू हुआ, और ये साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा फ्रंट के अलॉन्ग दिखाते हैं, ठीक है। आप इसको इसके साथ अलग से डिटेल ऑफ वैनिटी के नाम से दे सकते हो, या डिटेल ऑफ कारकास, टॉप व्यू ऑफ कारकास, फ्रंट व्यू ऑफ कारकास, और यहाँ पे ये क्या हो गया साइड व्यू ऑफ कारकास। ठीक है, इस तरीके से डिटेल। देन मैं इन दोनों को कॉपी करके जरा रख देता हूँ। ठीक है, अब जितने भी आपके वॉशरूम के व्यूज हैं सबको एक जगह लाके इकट्ठा कर लिए, मतलब जितने भी एलिवेशन हमने तैयार करे कहाँ कहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसका एक व्यू आ गया, एक व्यू ये वाला आ गया, ठीक है, एक डोर का आ गया, एक विंडो का आ गया। इसको कॉपी करके यहाँ पे रखा, एक्सेल एंटर, बी एंटर, एक व्यू इसका आ गया और एक इसका अपोजिट व्यू ये आ रहा है हमारा, ये वाला है, इसको कॉपी किया हमने। प्लान व्यू को चाहो तो नीचे डाल दो, तो ये आपका क्या हो गया,
भी उसको अलग अलग नेमिंग दे दिएगा। ठीक है, व्यूज को अलग अलग नेमिंग दे दिएगा, जैसे ये कौन सी साइड का व्यू हुआ, ठीक है, ये कौन सा व्यू हुआ, ये फ्लोर प्लान हो गया हमारा, ये कारकास की डिटेल हो गई, और अब जाके ये एक वॉशरूम का कंप्लीट एलिवेशन ड्राइंग सेटअप हो गई। इसको बाद में हम भेज सकते हैं साइट इंजीनियर को या कॉन्ट्रैक्टर को, उसके भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने एक वॉशरूम की कंप्लीट ड्राइंग डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ एरर हैं, जैसे कहीं पे मैंने हाइट ज़्यादा ली है फ्लोर से सीलिंग की, कहीं कम ली है, आपको एक ही हाइट मेंटेन करनी होगी, तो वो आप लेके चलना कितनी हाइट आप मेंटेन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने इसका गैप कितना लिया है, 10 inches लिया है, यहाँ गैप कितना है इसका, 2 feet है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 1 feet कर दिया हमने गैप को, इसको 1 feet ऊपर कर देते हैं, सबको एक ही हाइट लेवल ले लेते हैं। हाँ जी, सो इस तरीके से हमारी वॉशरूम की कंप्लीट ड्राइंग डिटेल तैयार हो गई। अब एक वॉशरूम पूरा सेटअप हो गया हमारा, सारी डिटेल आ गई इसमें। आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास हम है।